अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सभी लोग भाई जान। बात ये है कि मैंने तो FSC के पेपर दे लिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इतनी अच्छी तैयारी थी कि मैंने तो बोर्ड टॉप करना है सीरियसली। अच्छा, अगर बोर्ड टॉप ना भी किया तो टॉप 10 पोजीशन में FSC में आराम तौर पर आ ही जाना है। मैंने कोई मसला ही नहीं है, इतना ज़्यादा आराम से, इतनी ज़्यादा प्रेपरेशन थी, इतने अच्छे पेपर हुए हैं FSC के। अब आगे क्या करना है, आगे मैंने मेडिकल करना है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। मेडिकल के लिए MD कैट देना होता है, तो MD कैट सारा आना ही है बोर्ड की बुक से। तो बोर्ड की बुक्स मैंने पहले इतनी ज़्यादा रटी हुई है, इतना ज़्यादा मेरे कंसेप्ट हैं, आराम से MD कैट भी क्लियर कर देना है। अभी जो 2 साल पढ़े हैं इतना ज़्यादा, अब क्या चिल करने का टाइम है। अभी बहुत ज़्यादा महीने पढ़े, 2-3 महीने पढ़े हैं, आराम से आखिरी 1 महीने में रिविजन करेंगे और इधर भी टॉप कर जाएंगे। इधर तो इतना ज़्यादा मसला ही नहीं है। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर सफवान नवीद, फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट साहिवाल मेडिकल कॉलेज। जैसे कि मैंने सारी बातें पहले की हैं, ये सारा माइंडसेट होता है FSC के बाद जो बोर्ड टॉपर्स होते हैं ना, जो MD कैट देना चाहते होते हैं उनका होता है। FSC के बाद जो MD कैट में सारे स्टूडेंट्स आते हैं ना, उनका यही माइंडसेट होता है। गजब बेइज्जती है। और वो बोर्ड टॉपर ही होते हैं, सारे बोर्ड टॉपर्स ही होते हैं। और हमारा यही ख्याल होता है कि हमने तो बोर्ड टॉप करना है, और मेरी तो सीट पक्की है MD कैट के बाद मेडिकल कॉलेज में। इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आराम से रिलैक्स चिल, इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होते, इस तरीके से फ्रेशर्स करते होते हैं। कि अपना सबसे पहले तो माइंडसेट बनाएं, अपना माइंडसेट ठीक करें, क्योंकि आप जब FSC में थे तो आपने उन स्टूडेंट्स के साथ भी कम्पीट किया है जिनके नंबर उन्होंने पास भी होना है या नहीं होना। लेकिन जब आप MD कैट में आ गए ना, तो MD कैट में वही स्टूडेंट्स आते हैं जो बोर्ड टॉपर होते हैं, जिनके 1000 या 1100 प्लस मार्क्स होते हैं, जिन्होंने FSC टॉप की होती है ना, या FSC के टॉपर्स की लिस्ट में होते हैं, उन्होंने MD कैट में आना है। तो आपने अब उनके साथ कम्पीट करना। अच्छा, तो बी सीरियस अबाउट MD कैट, सीरियस हो जाएं अपनी प्रेपरेशन के बारे में। अब एक सेकंड के लिए हम ये मान लेते हैं कि चलो जी, हमने सीरियस होकर प्रेपरेशन करनी है, प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी हमने। तो अब MD कैट की प्रेपरेशन स्टार्ट किस तरीके से करनी है, क्योंकि फ्रेशर्स होंगे, उन्हें तो पता नहीं होगा कि MD कैट की प्रेपरेशन स्टार्ट किस तरीके से करनी है। सबसे पहले मैं आपको यही बता दूं कि आपने अपने बोर्ड की बुक्स को ही फॉलो करना है। अब फिर यही बात आ जाती है, भाई बोर्ड की बुक्स तो हमने 10-15 दफ़ा पहले पढ़ी हुई हैं, उसी से तो पेपर आया FSC का, और उसी से हमने टॉप करना है बोर्ड। तो अब उसको पढ़ना किस तरीके से, सबसे पहले अगर हम बायोलॉजी की बात करें ना, तो बायोलॉजी की डीप स्टडी करनी है आपने, एक एक लाइन को डीपली पढ़ना है आपने। इस तरीके से लाइनों को पढ़ना है कि अगर आपको एक लाइन आ जाए ना, और आपको फिल इन द ब्लैंक आ जाए कि यहाँ पे बुक में क्या लफ्ज़ लिखा हुआ है, तो आपको पता हो कि बुक में ये वर्ड इस लाइन में लिखा हुआ। केमिस्ट्री भी ऐसे ही है, केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक तो रट्टा है, इनऑर्गेनिक तो रट्टा है, लेकिन ऑर्गेनिक जो है वो कंसेप्चुअल है, उसे भी बहुत ज़्यादा याद करना पड़ता है। फिजिक्स न्यूमेरिकल होते हैं सारे, MCQs होते हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट करते हैं शुरू शुरू में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गलत होते हैं। तो जब आपने करना है ना, प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है, अगर आप अकेडमी जा रहे हैं तो आपने क्या करना है कि आपने साथ साथ अपनी प्रेपरेशन करते जाना है। और जब आपने एक चैप्टर करना है तो उसके साथ MCQ लाजमी तौर पर सॉल्व करें। बायोलॉजी के लिए 200 या 300 MCQ लाजमी एक चैप्टर के साथ करें, उसके बाद केमिस्ट्री के लिए भी जितने आप कर सकते हैं 100 या 200, उसके बाद फिज़िक्स, एक चीज़ आपको फिज़िक्स बहुत ज़्यादा तंग करेगी। आप शुरू शुरू में देखोगे कि आपके बहुत ज़्यादा MCQ गलत होते हैं, एक आधा सही होता है, बाकी सारे गलत होते हैं, आपको समझ नहीं लगती न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो इट्स नेचुरल, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपने घबराना नहीं है, क्योंकि फिज़िक्स है ही ऐसी, बहुत ज़्यादा मुश्किल MCQ लगते हैं शुरू शुरू में। और जब आप MCQ सॉल्व करोगे ना, तो आपने बस जब आपने पहली दफ़ा MCQ सॉल्व करने, तो आपने ये नहीं समझना कि मेरे तो सारे ठीक होने चाहिए, अगर मेरे 50-60 MCQ 100 में से गलत हो रहे हैं तो मेरा तो एडमिशन होना ही नहीं है, मेरा तो कंसेप्ट ही नहीं है इतने ज़्यादा। ऐसा शुरू शुरू में सबके साथ होता है, तो आपने परेशान नहीं होना। आपने जब पहली दफ़ा MCQ सॉल्व करने, तो आपने अपने माइंड में यही रखना है, यार मैं बस आइडिया लेने के लिए MCQ सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे पता चल जाए कि MCQ आते किस तरीके से। आपको पता चल जाएगा बाद में कि किस तरीके से वो डॉज करते हैं आपको, किस तरीके की ट्रिक होती है, और किस तरीके से आपने स्टेटमेंट को पढ़ना होता है, और कौन से पॉइंट्स पे आपने फोकस करना होता है, और MCQs के जो ऑप्शन होते हैं उनको किस तरीके से देखना होता है। ये आपको जब आप ऐसा ऐसा प्रैक्टिस करेंगे ना, उस वक्त आपको पता चल जाएगा। और जो अकेडमी जाते हैं ना स्टूडेंट्स, वो कोशिश करें कि जैसे जैसे अकेडमी वाले करवा रहे हैं साथ साथ ही करते जाएं, ये ना हो कि आप कहें कि बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में टाइम नहीं मिलना आपको। और कोशिश करें कि जितने ज़्यादा MCQs आप सॉल्व कर सकते हैं उतने ज़्यादा करें। आपने अपनी प्रेपरेशन और अपना टाइम टेबल इस तरीके से बनाना है कि आप 2-1 महीनों में अपना सिलेबस कवर कर लो, अभी तो आपके पास टाइम काफ़ी है,
लेकिन आपने कम्पीट करना है रिपीटर्स के साथ, ऐसा नहीं होना है कि सारे फ्रेशर्स ही होने, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने अर्ली प्रेप ज्वाइन की होगी, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने एक साल रिपीट किया, कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने दो साल रिपीट किया। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आपने उन सब स्टूडेंट्स के साथ कम्पीट करना है और आपने अपना इस तरीके से टाइम टेबल सेट करना है कि आपका एक महीने पहला सिलेबस सारा कवर हो जाए। उसके बाद आपने मैक्सिमम रिविजन्स करनी है, जितनी ज़्यादा आप रिविजन्स कर सकते हो, स्पेशली बायो, और बायो के लिए आपने फेडरल लाजमी तौर पर पढ़नी है। फेडरल से कंसेप्ट लाजमी तौर पर आते हैं और कभी कभी तो डायरेक्ट स्टेटमेंट उठा के दे देते हैं फेडरल से, जो पीटीबी में होती नहीं है। तो फेडरल साथ साथ पढ़ते जाएँ, मैक्सिमम रिविजन्स करें। और एक बात स्पेशली मैं आपको फ्रेशर्स को बोलूँगा कि आपने पास पेपर लाजमी तौर पर देखने हैं, और पास पेपर के साथ जो PMC के मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं वो भी देखते जाएँ। पास पेपर से लाजमी तौर पर क्वेश्चन रिपीट होंगे और पास पेपर से आपको पता भी चल जाएगा, लेकिन पास पेपर आप अभी ना करें, आप एंड पे जाके करिएगा 15-20 दिनों में पास पेपर एक एक करके एक एक दिन में। तो पास पेपर से क्या होता है कि आपको आइडिया हो जाता है कि MCQ किस लेवल के आते हैं और कितना है हमारे अंदर स्टैमिना है कि हम 200 में से कितने MCQ ले सकते हैं। तो ये थी सारी बातें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो ना आपका, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना, हम अगली वीडियो उसी पे बनाएंगे। कमेंट सेक्शन में अपने ज़रूर कंफ्यूजन जो भी है आपको, या MDCAT से मतलब कोई भी आपका क्वेश्चन है तो ज़रूर शेयर करें मेरे साथ में, आपको उसका आंसर भी दूंगा और आपकी इंशाल्लाह जो कंफ्यूजन है वो दूर करूंगा। अभी हम नेक्स्ट वीडियो भी बनाएंगे डिफरेंट टॉपिक्स पे, जो जो आपका होगा कि किस तरीके से हमने टॉपिक्स करने हैं, MCQ सॉल्व किस तरीके से करने हैं, और हम मोटिवेट किस तरीके से रह सकते हैं, स्ट्रेस को किस तरीके से रिलीज करते हैं। तो ये सारी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।